गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी रीड यूनिट 7 चैप्टर सेक्शन बी. द चैप्टर नेम इज लीप फ्रॉग. द चैप्टर नेम इज लीप फ्रॉग. लीप फ्रॉग का मतलब होता है मेढक कूद, मतलब मेढकों का फ्रॉग का जंपिंग. जंपिंग ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड लीप फ्रॉग. तो इसके बारे में हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. एंड यू रिपीट विथ मी दिस चैप्टर. वंस देयर वेर थ्री फ्रेंड्स, अ फ्ली, ए ग्रास हॉपर एंड ए लीप फ्रॉग. दे डिसाइडेड टू सी हु कुड जंप द हाईएस्ट. दे इनवाइटेड द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द किंग. Being famous jumpers, all came to witness the event. Once there were three friends. एक बार की बात है, तीन आपस में मित्र रहते थे. उसमें a flea, a grasshopper and a leap frog. एक मेढक था, एक जंपर फ्रॉग कूदने वाला मेढक था, grasshopper एक टिड्डा होता है and a flea. Flea means एक पिस्सू, एक इंसेक्ट, एक टिड्डे जैसा प्राणी है. एंड लीप फ्रॉग, और एक मेढक. दे डिसाइडेड टू सी हु कुड जंप द हाईएस्ट. अब आपस में उन तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि हु कुड हाईएस्ट जंप, कौन सबसे अधिक ऊंचा कूद सकता है. दे इनवाइटेड द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द किंग. राजा के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को उन्होंने इनवाइट किया कि इस जंपिंग को आप लोग आइए देखिए और इस इवेंट को देखकर एक विटनेस बनिए, एक गवाह बनिए. बी फेमस जंपर्स ऑल केम टू विटनेस द इवेंट. आइए और सब लोग इसको देखें. आई विल गिव माय डॉटर टू द वन हु जंप द हाईएस्ट. आई विल गिव माय डॉटर टू द वन हु जंप द हाईएस्ट अराउंड द किंग. तो राजा ने बोला कि जो सबसे ऊंचा जंप करेगा उसको मैं अपनी पुत्री दे दूंगा. For it is not so amusing where there were no prize to jump for. First word is amusing. So you write it in copy. Means of amusing. A-M-U-S-I-N-G. Amusing means funny. F-U-N-N-Y. Not so amusing where there is no prize to jump for. मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जंप करने के लिए कोई प्राइज नहीं है, बल्कि एक डॉटर है, वो भी डॉटर ऑफ किंग है, वो लोगों को दिया जाएगा. लोगों को मींस एक जो हाईएस्ट जंप करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द फ्ली वाज द फर्स्ट टू स्टेप फॉरवर्ड. सबसे पहले फ्ली आगे बढ़ता है जंप करने के लिए. He was indeed well-mannered as he bowed to all and was moreover accustomed to the company of men alone and that makes a great difference. The flea was the first step to forward. पहले flea आता है. He was indeed well-mannered. सुसज्जित है, अच्छे तौर तरीके से है. As he bowed to all, सभी के सामने अपने सिर को झुकाता है. And was moreover accustomed to the company of men alone. और कैसे कस्टम्ड है? कस्टम्ड मीन्स होता है जो प्रैक्टिस वे में अभ्यस्त हो जिस चीज का. टू द कंपनी ऑफ मैन अलोन एंड दैट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस. और बहुत अंतर रखता है लोगों में, यानी इंसानों से दूर. देन केम द ग्रास ओवर. नेक्स्ट टाइम में ग्रास ओवर आता. ऑल्दो कंसिडरेबली हैवियर, वो थोड़ा उससे भारी है. ही हैज वेल मैनर्ड, वो भी वेल मैनर्ड है. एंड ओर ए ग्रीन यूनिफॉर्म, और अपने ऊपर एक ग्रीन यूनिफॉर्म ओर कर चुका, मतलब पहन चुका, यानी उसकी जो बॉडी है, हिज बॉडी लुक्स लाइक एज ग्रीन, हरी हरी दिखती है. व्हिच ही हैड बाय राइट ऑफ बर्थ, जिसको मतलब वो ग्रीन यानी हरापन उसको उसके बर्थ से ही मिला हुआ है. ही सेड, बोलता है, मोर ओवर दैट ही बिलोंग टू वेरी एंशिएंट इजिप्टियन फैमिली, कि वो एज एंशियंट प्राचीन एजिप्टियन फैमिली से बिलोंग करता, वहां से संबंध रखता है. इट वॉज दस, इस प्रकार, दैट द फ्ली एंड द ग्रास ओवर गेव एन अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स एंड थॉट दे वर गुड एनफ टू मैरी ए प्रिंसेस. और उन्होंने कहा कि वो सबसे अच्छा जंप करेंगे, हाईएस्ट जंप करेंगे, और वो एनफ टू मैरी ए प्रिंसेस,
उस प्रिंसेस से मैरी कर सकते हैं। द लीपफ्रॉग केप्ट क्वाइट। जो लीपफ्रॉग था वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। बट द हाउस डॉग स्निफ्ड एट हिम। हाउ डॉग स्निफ्ड। स्निफ्ड वर्ड एस एन आई एफ एफ ई डी। स्निफ मीन इनहेल। इनहेल टू नोज, एक प्रकार छींक लेना। तो स्निफ्ड एट हिम, उसके ऊपर स्निफ करता है जो घर का कुत्ता है, विथ हिज नोज नॉजिंग एंड डिक्लेयर द लीपफ्रॉग वाज अ गुड फैमिली। और वो बोलता है ये सबसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करता। कौन? लीपफ्रॉग। द ओल्ड काउंसलर असर्टेड दैट द लीपफ्रॉग वाज ए प्रॉफेट। असर्टेड मींस डिक्लेयर्ड। ए एस एस टी आर टी ई डी टी ई डी। असर्टेड मींस डिक्लेयर्ड। डी ई सी एल ई ए आर ई डी डिक्लेयर। डिक्लेयर सी एल ए आर डिक्लेयर मींस वो घोषित करता है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। I say nothing. It is true. मैंने कुछ भी नहीं बोला। Because it was true. सत्य था। ये फ्रॉग बोलता है, जंप लीप फ्रॉग कहता है। Exclaimed the king. राजा ने बोला, But I have my own opinion, not withstanding. मेरा जो विचार है इसके साथ नहीं है। Now the contest started. प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। The flea jumped so high that nobody could see where he had gone. वो इतनी तेजी से जंप किया फ्ली कि कहां उड़के चला गया किसी को दिखाई नहीं दिया। Anybody could not see them in the air. So they asserted that he did not jump at all. तो लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि he did not jump at all. वो जंप नहीं कर पाया। The grasshopper jumped only half as high. वो उसका आधा कूद सका। But he leaped into the king's face. और जाके राजा के चेहरे पर गिर पड़ता है। Face, who said that he was ill-mannered? तो लोगों ने कहा कि he was ill-mannered है। इसके पास सभ्यता नहीं, संस्कृति नहीं, तरीका नहीं है। जंप करना, मेरे ऊपर आके जंप कर रहे हो। The leapfrog stood still for a long time. बहुत कम समय तक खड़ा रहा। The house dog feared that he would not jump at all. The house dog feared, उसको ये डर था that he would not jump at all, कि वो भी नहीं कर सकता। But then pop he made a jump all on one side into the lap of princess. ऐसा जंप किया कि वो जाके प्रिंसेस के लैप में गिरा, यानी प्रिंसेस की राजकुमारी की गोदी में जा गया। Who was sitting on a little golden stool close by? जो उनके बगल में एक little golden stool, सोने का छोटा सा स्टूल था, उस पर बैठी हुई थी प्रिंसेस, उसके ऊपर जाके गिरता है। The king said, राजा ने बोला, There is nothing above my daughter. मेरी पुत्री से बढ़कर कुछ नहीं है। Therefore, to bound up to her is the highest jump that can be made. But for this, one must possess understanding that the leapfrog has proved that he is brave and intellectual. तो उन्होंने साबित किया, जब मेरी बेटी के ऊपर जंप करके पहुंच गया है, उसी के पास जाना था, प्राइज में वो प्रिंसेस को अपने डॉटर को दे रहा था, तो बोला जब वहां तक पहुंच गया तो उसने प्रूव्ड कर दिया दैट ही इज ब्रेव एंड इंटेलेक्चुअल, कि बुद्धिमान है और भालू ताकतवर है। एंड सो ही वन द प्रिंसेस। और इस प्रकार वो प्रिंसेस को जीत जाता। ही वन द प्रिंसेस। एंड द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। इट इज ऑल द सेम टू मी सेव द फ्ली। फ्ली ने भी बोला ऐसे, ये तो इट इज ऑल द सेम टू मी, ऐसे ही मेरे साथ। आई जंप द हाईएस्ट, मैं भी जंप किया हाईएस्ट, बट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मेरिट सिस्टम मींस इट्स रिवार्ड। मेरिट सिस्टम मींस मेरिट, एम ई आर आई टी एस, मेरिट मींस मेरिट सिस्टम अलग वर्ड है, मेरिट अलग वर्ड है। सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी मींस अच्छे से अच्छा गुण, अच्छा गुण जिसको कहते हो, मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी होता उसी को
मेरिट गो होता है, जाता है। ए फाइन एक्सटीरियर इज व्हाट पीपल लुक एट नाउडेज। आउटसाइड के लोगों की मीन्स आउटसाइडर, ए आउटसाइडर इज व्हाट पीपल लुक एट नाउडेज। आजकल कौन उसको देखना चाहता है, बाहर लोग, जो अच्छा होता उसी को संसार, उसी को सब लोग देखते हैं। द ग्रास वाज सेट ऑन ए ग्रीन बैंक, ग्रीन बैंक पे बैठ गया। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन वर्ल्डली थिंग्स एंड सेड, उड़ते हुए बोलता है, यस अ फाइन एक्सटीरियर इज एवरीथिंग, ए फाइन एक्सटीरियर इज व्हाट पीपल केयर अबाउट। एंड ही बिगन चिरपिंग इज पेक्युलर मेलांकोली, वो अपनी आवाज में, मेलांकोली मीन सैडनेस, बीइंग ऑफ सैडनेस, सैडनेस में होकर वो चिरपिंग मेरी अपनी आवाज को निकालते हुए उड़ते चला गया। द चैप्टर इज रिटन बाय हंस क्रिश्चियन एंडरसन एंड एडॉप्शन है। तो बच्चों समझ गए इस चैप्टर में क्या था, लीफ फ्रॉग था। वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टोरी ओरल। इस चैप्टर में तीन मित्र होते हैं, एक फ्ली, सेकंड ग्रासहॉपर एंड थर्ड लीफ फ्रॉग। तीनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग चल के हाईएस्ट जंप करते हैं, कि जो सबसे अधिक कौन इसमें पूछ सकता है। तो इसको डिसाइड करने के बाद उन लोगों ने इनवाइटेड ऑल द वर्ल्ड, यानी होल वर्ल्ड को इनवाइट किया विद किंग, राजा भी उसके साथ आए, मित्र तो राजा भी उसमें थे। एंड द किंग अनाउंस दैट हु कुड हाईएस्ट जंप देन आई विल डॉटर टू हिम, या जो सबसे अधिक हाईएस्ट जंप करता है मैं उसको अपनी डॉटर को दे दूंगा। तो फ्ली भी उड़ता है, फ्ली जंप करता तो हवा में चला जाता, कोई देख ही नहीं सकता। ग्रासहॉपर जब वो जंप करता है तो आधे आधे पर जंप करके जाके किंग के फेस पर गिरता है। और इस प्रकार नंबर कम्स फॉर लीप फ्रॉग, यानी मेंढक की बारी आती है, मेंढक भी जंप करता है, वो जाके ही फेल इन द लैप ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस की गोद में जाके गिरता। और राजा कहता हमको वही ये सौंपना था लोगों को, जो भी कुड जंप कुड हाईएस्ट, तो ये मेंढक ने साबित किया, ही प्रूव दैट ही वाज ब्रेव एंड इंटेलेक्चुअल। तो इस प्रकार से उस मेंढक की उस प्रिंसेस से मैरी होती है, शादी होती है। यही इस चैप्टर में था। आई होप दैट यू लिसन दिस चैप्टर वेरी फुल्ली एंड अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स विच वॉज रिलेटेड इन दिस चैप्टर अबाउट थ्री फ्रेंड्स, फ्ली, ग्रासहॉपर एंड लीफ फ्रॉग। इट इज सम डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग विच इज फाउंड इन योर बुक्स, सो आई राइट यू शुड राइट इन योर कॉपी एंड फाइंड आउट सम डिफिकल्ट वर्ड्स which is not, you try to find some difficult words in your notebook. Tomorrow I will answer of them. Okay, and thanks.